के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उत्तराखंड सरकार के मंत्री रहे, डीडीआर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बिशन सिंह तुफाल जी, गंगोली हाट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय फकीर राम टमटा जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन दीपिका बोरा जी, राज्य स्तरीय लघु सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष भाई गणेश भंडारी जी, इस जनपद के प्रभारी और उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय बलवंत सिंह भौरियाल जी, ब्लॉक प्रमुख कनाली चीना सुनीता कन्याल जी, डीडीहाट ब्लॉक प्रमुख बबीता तुफाल जी, विनीता बाफिला जी, बेरीनाथ की प्रमुख अर्चना गंगोला जी, ब्लॉक प्रमुख गंगोलीहाट भाई धन सिंह धामी जी, ब्लॉक प्रमुख घाटूला पूर्व विधायक आदरणीय चंद्रापंती जी, पूर्व विधायक और प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी बहन मीना गंगोला जी, नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन भाई राजेंद्र रावत जी, जिला महामंत्री राकेश देवलाल जी, दीपक कार्की जी, भाई गोविंद कुलफाल जी, मंचा सिंह, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी बंधु, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज बहुत ज्यादा संख्या में जो आप सब लोग यहाँ पूछा, लेकिन मैं सपन को दिल गहराई में सपन को मैं धन्यवाद करतू, सपन को अपन आमा बबू चतुर्ले फुलथन नाम छन, सपन को नाम में प्यार फुलन का सपन को मैं पहला करतू, इतनी फुल संख्या में आवे सब लोगों ने अपन आशीर्वाद दी। मैं आज ये पिथौरागढ़ जनपद जब बहुत ज्यादा हमारे देव स्थान छन, एक यहाँ एक देवी देवताओं को वास एक जनपद में छ, एक जिला में छ, मैं सब देवी देवताओं ले दंडवत प्रणाम करतू और यहाँ आवे, क्योंकि यो मेरी जन्मभूमि छ और ये जन्मभूमि में आवे आप सब उन लोगों को इतु प्यार देख दे, इतु लगाव देख दे, हमेशा मेरे मन में यहाँ की याद बार बार हूँ और मैं बहुत भावुक यहाँ आगे हो जाऊँ, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिख रहा है कि जन्मी जन्म भूमि से सर्वागति गरियसी, और आज इतनी खुली संख्या में वहां मैदान बिटे या मैदान तक उनमें डेढ़ घंटा है ज्यादा समय लग गई, और जगह जगह हमारा आमा बूबू नाना नामचंद सब लोग ले दीदी भूलियों ले जो स्वागत हमारे करते, मेरे करी अजय कमता जी, बिशन राव, फकीर राम जी, सब जतुगले छन सपन को जो स्वागत करी, मैंने दुइया हाथ जोड़ दे अपन सर झुकावे, आप सब लोगों को मैं प्रणाम करतू, आप सब लोगों को मैं सलाम करतू। तो आज ये कार्यक्रम इसमें जो आप सब लोगों ने मुझे सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। जिले के हमारे प्रशासन के लोग, जिलाधिकारी रीना जी, पुलिस अधीक्षक जी, पूरी टीम, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने आज कई सौ करोड़ की, 217 करोड़ से अधिक की जन योजनाएं, जो विकास की योजनाएं उनका आज यहाँ लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में पिथौरागढ़ जनपद के लिए विकास के मील का पत्थर होंगे, आने वाले समय में एक हमारा नया इतिहास यहाँ बनेगा, और इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से पिथौरागढ़ जनपद का विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां
जो हमारे कर्णधार हैं, हमारे बेटे बेटियां, उनको भी लाभ मिलने वाला है। जिस तरह से रुद्रपुर, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर में ये जो आयोजित हुए सम्मेलन, जो मातृशक्ति महोत्सव, जो हमने मातृशक्ति के लिए, अपनी दीदी भूलियों के लिए, इजाबेणियों के लिए ये आयोजित किए हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आज मातृशक्ति कार्यक्रम में भी आप सभी का, माताओं बहनों का अपार स्नेह मिला। और आज मुझे आप सबके बीच में भी जो स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, वो अद्भुत है, जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मैं पिथौरागढ़ जनपद की समस्त अपनी दीदी भूलियों को, इजाबेणियों को, सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम सब जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूरे उत्तराखंड के अंदर विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और हमारा पिथौरागढ़ जनपद भी इससे अछूता नहीं है। मेरा भी, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी मेडिकल कॉलेज की बात यहाँ पर हमारे भाई अजय चंपा जी कर रहे थे, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं भी बचपन से जब यहाँ से जाता था तो मैं सोचता था कि पिथौरागढ़ जनपद में एक मेडिकल कॉलेज जरूर होना चाहिए। जब मैं दूसरी जगह जाता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती थी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन दिखाई देते थे, उस समय मन में सपना था, आज वो सपना साकार होने को है। जल्द ही पिथौरागढ़ कॉलेज में भी, पिथौरागढ़ जनपद में भी अपना मेडिकल कॉलेज होगा, जिसके लिए हमने समस्त औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। 1000 के लगभग पदों की स्वीकृति भी अभी प्रदान कर दी है, मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति इसमें प्रदान कर दी है। बताइए, काम आसान काम था क्या? ये काम आसान था क्या, मेडिकल कॉलेज खुलना पिथौरागढ़ में? अरे भाई जोर से बोलिए, क्या बिना डबल इंजन के सरकार के काम हो सकता था क्या? मोदी जी की सरकार नहीं होती तो जनपद जनपद में, अभी जय चंपा जी यहाँ बता रहे थे, अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, पिथौरागढ़ का कॉलेज का काम शुरू हो गया है, जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही आज जिले में 65 करोड़ रुपए से अधिक की, अभी चेयरमैन साहब हमारे राजेंद्र रावत जी ये मुझसे कह रहे थे कि 40 करोड़ से ज्यादा की पार्किंग तो यही की हो गई है, 2 करोड़ रुपए इस मैदान के लिए भी स्वीकृत हो गए हैं। ऐसे अनेकों कार्य, आज पार्किंग के काम, अवस्थापना के कार्य लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसके अलावा विभिन्न पंपिंग की योजनाएं, एक से एक आज पंपिंग की योजनाएं बनाई जा रही है, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जेल का काम किया जा रहा है, फायर स्टेशन बनाया जा रहा है, प्रशासनिक भवन इनका निर्माण, कुछ कार्य ऐसे हैं जो आने वाले समय में मेरे पिथौरागढ़ के भविष्य को उज्जवल करने का कार्य करेंगे, एक पिथौरागढ़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत यहाँ के बहुत से मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों के विकास हेतु भी हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। हमने प्रण किया है कि हम प्राथमिकता से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको यह बताते हुए भी मुझे अपार खुशी हो रही है कि जो अभी हमारे सांसद जी, जिसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे, हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि उसके लिए लगे हुए थे, तमाम लोगों ने, हमारे विषमदा ने, फकीरदा ने, चंद्रा पंत जी ने, मीना गंगोला जी ने, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने, हमारे राजेंद्र रावत जी ने, सारे लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि नैनी सैनी हवाई अड्डे से जो हवाई सेवा शुरू हो, उसके लिए 19 सीटर जो विमान है उसकी ट्रायल लैंडिंग सफलतापूर्वक की जा चुकी है। जैसे ही अन्य जो औपचारिकताएं बची हैं, DGCA उनकी अनुमति देगा, मेरे पिथौरागढ़ से नियमित उड़ान, यहाँ से हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी। माताओं बहनों के आज इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से देखा, जिस प्रकार छाछ बना रहे थे, नमक पीस रहे थे, रिंगाल की टोकरी बना रहे थे, दंड बना रहे थे, तमाम प्रकार के जो उत्पाद हैं हमारी जो बहनें आज यहाँ पर बना रही थी, उनके द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं उनको देखकर मन अभिभूत हो गया। आप लोग सही अर्थों में
जो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र है, उसको अगर धरातल पर उतारने का काम कोई कर रहा है तो हमारी माताएं बहनें कर रही हैं, हमारी मातृशक्ति कर रही है। और मैं मानता हूं बिना मातृशक्ति के, सहयोग के बिना किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। यही कारण है हमारी संस्कृति में कहा गया है नारी तू नारायणी। जब महिलाएं किसी कार्य को अपने हाथों में लेती हैं, उस कार्य को पूरा किए बिना वो चैन से नहीं बैठती हैं, क्योंकि परिश्रम और मातृशक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। मातृशक्ति कोई काम अपने हाथ में लेती है तो जब तक वो उसको पूरा नहीं करती है तब तक वो चैन से नहीं बैठती है। जिस राष्ट्र की मातृशक्ति शिक्षित हो उस राष्ट्र का वर्तमान ही आने वाला भविष्य भी सुरक्षित रहता है। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मंत्र दिया, उस मंत्र को पूरे उत्तराखंड की बहनों की भांति आप सब लोगों ने भी आत्मसात किया है। आज देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम हो रहा है वो नए भारत की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आज गांव गांव में जिस प्रकार से माताओं बहनों की सुविधा के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए घरों में शौचालय बनाए गए, गैस दी गई, बिजली दी गई, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं जो लगातार दी जा रही है, उनसे जोड़ा जा रहा है, बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर सरकार पूरी प्राथमिकता के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। आज देश भर के अंदर जो महिला स्वयं सहायता समूह है, उन समूह से जुड़कर हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, हमारी दीदी बहनी आज आत्मनिर्भर बन रही हैं, प्रत्येक क्षेत्र में आज बहुत शानदार काम कर रही हैं। इसीलिए हमने हाउस ऑफ हिमालय की हिमालय का हमारे उत्तराखंड का एक ब्रांड हो, उस ब्रांड को पूरे देश के अंदर मान्यता मिले, विदेशों में भी मान्यता मिले। हमारी बहनें जो उत्पाद बनाती हैं उनको विपणन करने के लिए, उनके माल को बाहर खरीदने वाले लोग मिले, उसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों इसका लोकार्पण करवाया है, इसका उद्घाटन करवाया है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव काम कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री जी ने अभी संसद के अंदर पूरे देश की आजादी के बाद इतना बड़ा फैसला लिया कि हमारी माताओं बहनों के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व उनका हो, उसके लिए उन्होंने नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के अंदर पास कर दिया, उसका कानून बना दिया। वहीं प्रदेश के अंदर हमने 30% का जो क्षतिज आरक्षण है उत्तराखंड की सारी नौकरियों में सुनिश्चित कर दिया। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, हमारी बहनों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी योजना, नंदा गोरा मातृ वंदना योजना और महिला पोषण जैसी अनेक योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने जब से आप सबके आशीर्वाद से, मैंने जब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला, ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि जनता के हितों के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं बिना देरी के उठाए जाएं, जो भी प्रदेश के हित में फैसला लेना है वो फैसला रुके बिना, झुके बिना, एक पल की देरी किए बिना तत्काल उसको लागू करवाने का काम हमने किया है। भाइयों बहनों, हमने जहां प्रदेश के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, उस कानून के लागू होने के बाद हमारे जो गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जिनके अंदर योग्यता क्षमता प्रतिभा थी, उन सबको आगे आने का अवसर मिल रहा है। उससे पहले वो नकल की भेंट, नकल का उनके साथ जो धोखा होता था उसको बंद करने का काम किया है, और 100 से भी ज्यादा लोगों को जो नकल के माफिया थे, नकल का अपराध करवाते थे, नकल के बड़े बड़े गिरोह चलाते थे, उनको जेलों के अंदर डालने का काम भी किया है। वहीं धर्मांतरण को रोकने के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान करके कठोर कानून बनाया है। प्रदेश में पहली बार लैंड जहाज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, अतिक्रमण मुक्त करवाया है। 5,000 एकड़ से भी अधिक की जमीन को
अतिक्रमण से मुक्त कराकर उनको साफ सफाई और स्वच्छता की ओर बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी हमने पहली बार कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे हैं। इसके साथ ही हमने जो जरूरी काम थे उन सभी जरूरी कामों को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भी हमने आवश्यक कदम उठाए हैं। कमेटी ने अपना काम कर लिया है, जल्दी हम उस दिशा में भी आगे बढ़ने वाले हैं। अभी आप सबको याद है, कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री हैं, आज आप भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जॉलीकॉम जाकर 18,000 फुट की ऊंचाई पर आदि कैलाश के दर्शन किए, गुंजी गए, गुंजी जाने के बाद जागेश्वर धाम गए और पिथौरागढ़ में आप सबके बीच में आकर उन्होंने उत्तराखंड की एक नई तस्वीर, भारत की एक नई तस्वीर हम सबके सामने साझा की। भाइयों बहनों, हम देख रहे हैं जब से वो आदि कैलाश के उन्होंने दर्शन किए, तेजी से आज आदि कैलाश आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, गुंजी आने वाले की पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जागेश्वर धाम जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। हमारे मानस मंदिर माला मिशन के अंतर्गत जितने मंदिर आते हैं उन सभी मंदिरों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 रत्नों में शामिल किया है, विकास के 9 रत्नों में, और इन सभी का विकास होने वाला है आने वाले समय में। हमारा स्वप्न है, संकल्प है, हमारे सभी देवी देवता, हमारे देवस्थान हम सब पर कृपा करेंगे और जैसे 4 धाम की यात्रा पूरे उत्तराखंड के अंदर चलती है, केदारखंड में चलती है, वैसे ही मानस खंड की यात्रा भी आगामी भविष्य में हुआ करेगी। उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों को देश विदेशों में आज पहचान दिला रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं जो कभी किसी ने नहीं किया, भूतों ने भविष्य भी उन सब कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए, 22 जनवरी का दिन इतिहास में अमर होने जा रहा है। आप सबको पता है ना 22 जनवरी को क्या होने वाला है, मालूम है आप सब लोगों को? अरे क्या होने वाला है, थक गए हैं क्या? जोर से बोलिए। हाँ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने वाला है, मंदिर बनकर तैयार हो गया है, भगवान वहां विराजित होने वाले हैं, उसका लोकार्पण होने वाला है। मेरी अपनी माताओं बहनों से, हमारी दीदी बहनियों से, सबसे मेरी अपील है कि इस दिन आप लोग घर घर जाकर दीपोत्सव मनाएं, मंदिरों में भजन कीर्तन कर भगवान राम का गुणगान करें, क्योंकि ये दिन हमको कई वर्षों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हम राज्य के विकास के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ देश को, देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से आज पूरे उत्तराखंड के लोगों ने इस विकास की यात्रा में सहभागी बनने का निश्चय किया है, उसमें हमारा पिथौरागढ़ जनपद भी पीछे रहने वाला नहीं है और विकास की यात्रा को अब रुकने नहीं देना है, विकास की यात्रा को लगातार बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन मुझे और मेरी सरकार को, हम सब जनप्रतिनिधियों को लगातार मिलता रहेगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमने आदर्श उत्तराखंड बने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पहली बार एक सबकों का उद्घोष किया था, वो उद्घोष उन्होंने बाबा केदारनाथ से किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसके बाद उन्होंने यही पिथौरागढ़ में आप सबके बीच में उस बात को फिर दोहराया था कि आने वाला समय ये उत्तराखंड का दशक, 21वीं सदी का दशक होगा, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको मैं बताऊं, यहां से मैं अगर योजनाओं के बारे में गिनाने लगूंगा तो अनेक अनेक योजनाएं, अभी यहाँ विसंधा बैठे हैं, अभी मैं चर्चा कर रहा था, हमारे अजय कमता जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा कर रहा था, हमारे गंगोली हाट के विधायक आरवी फकीरदा यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं अनेक अनेक योजनाओं को, फकीरदा की विधानसभा में, हमारी धारकुला विधानसभा में, गिड़ियाट विधानसभा में, पिथौरागढ़ विधानसभा में, हर विधानसभा में तेजी से कामों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, क्योंकि हमारा संकल्प है कि हमारा इस सीमांत जनपद विकास की दौड़ में सबसे आगे होना चाहिए। उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद,
हमेशा मिलता रहा है, निकट भविष्य में भी मिलता रहेगा। मैं आज इस अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि काफी देर से आप सब लोग आए हुए, मेरे मन में बहुत सारी बातें बोलने के लिए है। हम विषमदा को भी यहाँ से सुनना चाहते थे, आदमी फकीरदा को भी सुनना चाहते थे, हमारे अन्य नेतागण भी है, लेकिन समय की कमी के कारण से हम उनको सुन नहीं पाए। लेकिन फिर भी आप सब लोग हमारे मनोभाव को, हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे, क्योंकि हमारे भाव में हमेशा यह है कि हमारा पिथौरागढ़ जनपद ये उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। उसके लिए मैंने नाबार्ड की जो एक बड़ी बैठक हुई थी, उस नाबार्ड की बैठक में हमने पूरे प्रदेश के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो आगे आकर विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेगा। मैं आज के इस अवसर पर दो तीन जो काम यहाँ अभी तत्कालिक रूप से होने हैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि आंवला घाट फेज टू पेयजल परियोजना, इसका निर्माण कार्य जल्दी ही किया जाएगा। फगाली गार से पनारपुर तक जो वैकल्पिक सड़क मार्ग है उसको पूरा किया जाएगा। ऐतिहासिक जो हमारा यहाँ मोस्ट मानव मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण व मंच का निर्माण ये काम किया जाएगा। नैनी सैनी गाजर देवों तक हार्ट बीट सड़क व नाली का निर्माण किया जाएगा। अन्य भी बहुत सारे प्रस्ताव आज मुझे मिले हैं, मैं उन सबको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और उन सभी का परीक्षण करवाकर उन सबको धरातल पर उतारने के लिए जल्दी से जल्दी सरकार के स्तर पर काम किया जाएगा। कुछ योजनाएं जो हमारी लंबे समय के लिए होनी है वो दीर्घकालीन योजनाएं हैं, उनके लिए आगे प्लान में उनको सम्मिलित किया जाएगा। जो अल्पकालिक हैं या जो मध्यकालिक हैं उनको तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाएगी, कुछ को अभी की जाएगी, कुछ को आगे की जाएगी। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि जल्दी हम इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। अंत में मैं आप सभी को इस भव्य आयोजन के लिए अपनी ओर से बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और कल ही हमारा उत्तरायणी का त्यौहार हमारे लिए एक नई रोशनी लेकर आता है, नई ऊर्जा और उष्मा लेकर आता है। भगवान सूर्य नारायण जब उत्तरायण में आते हैं तो उनके उत्तरायण में आते ही सारे जो हमारे अच्छे काम है, शुभ काम है, वो शुरू हो जाते हैं। देवताओं का समय आ जाता है, क्योंकि भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं। तो अब आपके जीवन में भी भगवान जब उत्तरायण में प्रवेश कर गए, हर प्रकार से आपका मंगल हो, आपके घरों में मंगल हो, सारे काम मांगलिक कार्य हो, हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारा जनपद आगे बढ़े। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है 22 तारीख को, जो इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान रामलला वहां विराजमान हो रहे हैं, जिसके लिए हम सब कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वो मंदिर बनने जा रहा है। तो इसलिए मेरे साथ आप सब लोग दोहराएंगे, जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।